ओके वीकली अपडेट स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट है अबाउट फेडरल बोर्ड रिजल्ट क्लास टेन और क्लास ट्वेल्व का तो क्वेश्चन की तरफ से वो ये डियर कैंडिडेट एस पार्ट सी एनुअल एग्जामिनेशन 2021 रिजल्ट विल बी अनाउंस आफ्टर मिड ऑफ अगस्त तो पहले इनका था कि मिड ऑफ अगस्त तक आ जाएगा अब है कि आफ्टर मिड ऑफ अगस्त सो आप देख सकते हैं कि शायद 2021 या 2025 से पहले पहले आपके रिजल्ट आ चुके होंगे एच और एस के क्लास टेन और क्लास ट्वेल्व के सो नेक्स्ट अपडेट की तरफ जाते हैं जो कि इस वीक की वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट थी uh, जिसकी एक प्रीवियस uh, वीडियो भी uh, एड कर दी गई थी कि तमाम एग्जामिनेशन अपने टाइम पर होंगे राइट right? और जो एग्जाम्स हो रहे हैं एक्सेप्ट uh, सिंध बाकी तमाम कंट्री में पंजाब में फेडरल बोर्ड में तमाम अपने टाइम पर होंगे सो so, उनमें से कुछ डिसीजन रिव्यू करते हैं नंबर ऑफ डिसीजन मेड टूडे इन इंटर इंटरप्रशियल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग स्टैगर्ड ओपनिंग ऑफ स्कूल थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट वेयर द प्रोवेंशियल गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन सो सिंध के अलावा तमाम प्रोविंस में स्कूल्स भी ओपन कर दिए गए हैं फिफ्टी परसेंट अटेंडेंस के साथ राइट तो सेकेंड देखते हैं अब इसके बाद एग्जाम टू कंटिन्यू एज पर डेट शीट बट फाइव परसेंट मार्क्स एडिट टू कंपल्सरी कवर कर लिया था सब्जेक्ट uh, में जिसके एग्जाम नहीं हो रहे और ये बेस करेंगे आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स पे सो नेक्स्ट अपडेट देखते हैं सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट फेडरल बोर्ड नोटिफिकेशन के क्लास नाइन्थ के लिए जो बुक्स हैं जिसमें उर्दू कंपलसरी, बायो पाकिस्तान स्टडीज फूड एंड न्यूट्रिशन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फिजियोलॉजी एंड हाइजीन क्लास नाइन के लिए फॉर फेडरल बोर्ड ये चेंज कर दी गई है न्यू बुक्स आपको अब पढ़ाई जाएंगी जो के पब्लिश की जाएंगी नेशनल बुक फाउंडेशन के थ्रू इस्लामाबाद से राइट right? तो फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो नाइन्थ क्लास में अभी अभी गए हैं जो स्टार्ट हुए नाइन्थ क्लास में पढ़ना वो पुरानी बुक्स उर्दू की बायो की पाकिस्तान स्टडी फूड एंड न्यूट्रिशन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फिजियोलॉजी एंड हाइजीन ये बुक्स पुरानी ना लें नई बुक्स जो है नेशनल बुक फाउंडेशन की वो ही लें वरना वो वेस्ट होंगी बिकॉज वो चेंज हो गई हैं जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है 2022 में ये नए बुक्स न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग होंगी बाकी मैथ फिजिक्स वगैरह सेम रहेंगी राइट नेक्स्ट अपडेट है इसके नस्ट जो है यूनिवर्सिटी के एडमिशंस फाइव ऑगस्ट पे एंड हो रहे थे फॉर uh, टेस्ट लेकिन फाइव डेज इसके एक्सटेंड कर दिए गए हैं टेस्ट देने के लिए पाँच दिन बढ़ा दिए गए हैं तो अब लास्ट डेट नस्ट का टेस्ट देने के लिए टेन ऑगस्ट है तो टेन अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं देन आप uh, इसमें फर्दर अगर टेस्ट देना चाहें अपियर होना चाहें तो दे सकते हैं सो देन अगेन एक uh, अपडेट जो कि पंजाब के, के एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रास की तरफ से है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के ऑल टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल ऑफ पंजाब टू बी वैक्सीनेटेड बाय अगस्त 2022 right? so 22 तक, आज, 6 है, so 22 तक आपके पास लास्ट डेट है जो भी एजुकेशन uh, सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं वो वैक्सीन लगवा लें और बिकॉज लास्ट डेट ट्वेंटी टू है उसके बाद विदाउट वैक्सीन अलाउ नहीं किया जाएगा राइट सो एनी इंडिविजुअल विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आफ्टर द द स्टेटेड डेट विल नॉट बी अलाउड इन स्कूल सो ये नोटिफिकेशन है उसका एंड लास्ट अपडेट जो है वो है अबाउट सिंगल नेशनल करिकुलम ये तो आप सबको पता होगा कि पंजाब में क्लास वन टू फाइव सिंगल नेशनल करिकुलम अप्रूव कर लिया गया मींस तमाम स्टूडेंट अब एक ही बुक्स पढ़ेंगे वन से फाइव क्लास तक तो आगे भी इंशाल्लाह 8 तक हो जाएगा 10 तक हो जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी चीज है सो so, ये इस वीक की थी एजुकेशन अपडेट्स रावलपिंडी बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं थर्टीन अगस्त से सो so आप लोग आई थॉट के प्रिपेयर कर रहे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे सो रोल नंबर स्लिप्स आपकी रोल नंबर स्लिप्स फॉर एच एस सीट वन इंटरमीडिएट पार्ट वन अलेवन क्लास एनलाइजन अपलोडेड सो आपकी रोल नंबर स्लिप पार्ट वन की अपलोड कर दी गई हैं बहुत से बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट से मिल गई हैं अगर आपको नहीं मिली तो आप इस लिंक पर जाके स्लिप्स डॉट बाईस रावलपिंडी डॉट ई डी यू डॉट पी के पे जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप्स लिखवा सकते हैं सो so, ये थी इस वीक की एजुकेशन अपडेट्स